शिंदे गुट को धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिलने के बाद लगातार मुंबई में हर जगह पर आतिशबाजी दिखाई दे रही है। शिंदे गुट की तरफ से लगातार ये फैसला आने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको बोरीवली मागाछाने प्रकाश सुर्वे के कार्यालय के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर शिंदे गुट के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज प्रकाश सुर्वे ने देखिए मेट्रो मुंबई से बात की, हमारे संवाददाता धनुषधारी यादव लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए उन्होंने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए क्या कहा है। जी बिल्कुल, मैं बोरीवली ईस्ट में मागा ठाणे पे विधायक प्रकाश सुर्वे जी के कार्यालय पे उपस्थित हूँ। लेकिन बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, वो जश्न जश्न रहा है। गुस्सा चेहरों पे दिख रही, मुस्कान चेहरों पे दिख रही। लेकिन बता दें कि आज हमारे बीच में राज प्रकाश सुर्वे जी उपस्थित है। यहाँ पे नगाड़े ढोल तमाशा के साथ एकदम कई अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे आए हुए, तत्वों के लोग, अलग अलग कौश के लोग आए हैं। सबके चेहरों में मुस्कान है। यहाँ पे धनुष बाण का चिन्ह मिल चुका है, शिवसेना का नाम मिल चुका है। आज इसे खास चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि देखा जाए कि उद्धव गुट के जो मसाल मिला था और तलवार ढाल मिला था एकनाथ शिंदे को, लेकिन ये अब क्या हो गया, अचानक कुछ अलग तरीके देखने को मिला है। राज प्रकाश सुर्वे जी ही कहेंगे, जिस तरह से आज आपको तलवार ढाल मिला था, अचानक ऐसा जादू देखने को मिल गया है कि जहाँ पे आपको शिवसेना का बाण और शिवसेना का नाम मिल चुका है। बताइए क्या कहना चाहिए। बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं पे चलने वाले हम सब कार्यकर्ता है। एकनाथ शिंदे साहब आज महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं और हम जो लड़ाई थी वो यही लड़ाई हम कब से, बहुत टाइम से यही लड़ाई लड़ रहे थे कि भाजपा शिवसेना युति थी। और आज फिर एक बार जो बाला साहब ठाकरे की मूल शिवसेना है उनको उनका धनुष बाण मिल चुका है। कहीं ना कहीं बात यह भी उठाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आना, अमित शाह का यहाँ आना, ये देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना का धनुष जो बाण था वो नरेंद्र मोदी जी के वजह से मिला, ऐसा भी बातें चल रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप। ये बहुत ही गलत आरोप लगाए जाते हैं। देखो अभी उनके हाथ से सब निकल चुका है, पैर के नीचे की जो मिट्टी होती है, वालू होती है, वो फिसल चुकी है। इसके लिए अभी वो बिना सोचे समझे कुछ भी आरोप करेंगे। हम आरोप पे ध्यान नहीं देते, हम ज़्यादा हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने हमें बताया है वही हम फॉलो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और काम से लोगों का उत्तर दो और उसी तरीके से संविधान को, कायदे सुव्यवस्था को साथ में लेके आज ये प्रस्ताव पास हुआ है और हमारा धनुष बाण और शिवसेना नाम है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत का बयान आता है कि बाला साहब ठाकरे सच्चाई ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है, ये हम नहीं, ये उद्धव गुट के लोग। अरे अब भी हमारे शाखा प्रमुख ने बताया बाला साहब ठाकरे अगर ऊपर से देखते रहेंगे तो वो खुशी मनाते रहेंगे कि जो मूल शिवसैनिक थे, जो कट्टर शिवसैनिक है, जो आज 20-20, 30-30 साल शिवसेना में काम करे, आज उनका विजय हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए कि ढगले साहब है, पूरा जिंदगी इनका शिवसेना में चला गया, आज वो हमारे साथ है। मतलब देखोगे तो जो मूल शिवसैनिक है वो बाला साहब ठाकरे के साथ है, एकनाथ शिंदे साहब के पीछे खड़े है और आज उनका विजय है। तो ये जो नेगेटिव क्या होता है, कहीं ना कहीं लड़ाई चलती है। मुंबई